ट्रेन से खुदाई करते समय मजदूरों को वहाँ एक बड़ा कोबरा और उसके बच्चे मिलते हैं। अब मजदूरों का कैप्टन उस कोबरा के बच्चों को बड़ी बेरहमी से एक फावड़े से मारने लगता है। वही क्रेन के अगले हिस्से से कोबरा भी काफी चोटिल हो जाता है। इतने बड़े कोबरा को देखकर क्रेन के ड्राइवर की मानो जैसे हवा निकल जाती है। अब कोबरा काफी गुस्से में होता है क्योंकि कैप्टन ने उसके सामने उसके बच्चों को बेरहमी से मार दिया था। ये कोबरा वहाँ काम कर रहे सभी मजदूरों पर हमला करना शुरू कर देता है। इतने बड़े कोबरा को देखकर निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच जाती है। अब गुस्से से कोबरा वहाँ खड़ी कार पर चढ़कर जोर जोर से फुंकार मारने लगता है। कोबरा को अपने आप से दूर पाकर कैप्टन जल्दी से क्रेन पर चढ़ जाता है। ये उस खुदाई करने वाली मशीन से कोबरा को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोबरा काफी चालाक होता है। ये कूदकर क्रेन की बाह पर चढ़ जाता है। अब कैप्टन उस कोबरा को क्रेन से उतारने के लिए क्रेन काफी तेजी से चलाने लगता है। अंततः आधुनिक क्रेन के सामने कोबरा की पकड़ कमजोर पड़ जाती है, जिस कारण ये कोबरा सीधे जमीन पर आकर गिर जाता है, जिसका फायदा उठाकर कैप्टन तुरंत क्रेन से उस कोबरा को मार डालता है। लेकिन कैप्टन को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कोबरा का एक बच्चा अभी जिंदा है, जिसने कैप्टन को उसकी माँ को मारते हुए देख लिया था। अब काफी सालों बाद इस जगह पर एक होटल बन चुका है। तभी अचानक होटल पर काफी सारे स्नेक हमला कर देते हैं।